आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके पास भी किसी कंपनी का कंप्यूटर या लैपटॉप है, कितना भी पुराना हो या कितना भी नया हो, या उसमें कोई सी भी विंडो हो, तो आप उसके अंदर टाइम ठीक कैसे कर सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर पे टाइम गलत दिखा रहा है, यानी सिस्टम पे गलत टाइम शो करा रहा है, तो उसको ठीक कैसे करते हैं, आइए आज की इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा और दोनों में से आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है, आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस करना है। यहाँ पर आप सर्च करें CTRL, यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल मिल जाएगा, आप इसे ओपन कर लीजिए। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और आपके पास लगभग ऐसा पेज आएगा, हल्का फुल्का चेंज भी मिल सकता है अगर आपकी विंडो 7 है तो। यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन क्लॉक एंड रीजन, इस वाले को ध्यान दीजिए, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम, टॉप पर ही आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करें, आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज टाइम जोन, यहाँ पे आपका ये सेट होगा, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप ये सेट करिएगा, कुछ और गलत मत सेट करिएगा, इसमें कई सारे आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक इंडियन हैं तो आप ये वाला होना चाहिए आपका, ओके पे क्लिक करें, चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करें। यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले, तो यहाँ पे अभी डेट चल रही है 10 जून 2020, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जून में। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कई सारे, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं जून में, 2021 आ चुका है, और 10 पे हम क्लिक कर लेते हैं, तो 10 जून 2021 सेट हो गया है ये। बारी आती है टाइम की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा टाइम, तो टाइम पे क्लिक करें, यानी जब आई बना हुआ आ जाए तो इस पर क्लिक करें और टाइम सेट कर लीजिए। तो अभी टाइम हो रहा है 8:43, तो यहाँ पे हम करते हैं 08 और यहाँ करते हैं हम 43। और यहाँ पे एम और पीएम का ध्यान रखिएगा, इसे चेंज कर दीजिए एरो बटन का यूज़ करके और ओके कर लीजिए। और यहाँ पे हमारा टाइम चेंज हो चुका है, ठीक हो चुका है, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए और यहाँ पे टाइम ठीक हो जाएगा। पर अगर ये तरीका काम नहीं कर रहा है तो आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करें, आपको अपने कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस करना है, फिर आपको लिखना है सेटिंग्स, SETTINGS, सेटिंग्स लिखिए। सेटिंग्स लिखने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन जिसका नाम होगा टाइम एंड लैंग्वेज, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको टॉप पर ही मिल जाएगा सेट टाइम ऑटोमेटिकली, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और आपका टाइम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। आपको कोई नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई डेट डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। पर अगर नहीं होता है तो आप इसे बंद कर दीजिए और यहाँ से आप चेंज पे क्लिक करिए और टाइम वगैरह सिलेक्ट कर लीजिए और ये ठीक हो जाएगा। चेंज पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए।